हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनअप बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और डिफेंस की तरफ से जॉब, जो कि निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनटेक 1/2025 के रिगार्डिंग। एक्स एंड वाई दोनों ही ग्रुप की रिक्रूटमेंट रहेगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों ही ग्रुप का एग्जाम पैटर्न बताऊंगी, किस किस स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक बने रहना। अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर, अग्निपथ, वायु इनटेक 1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 3500 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। पहले ही बताया कि दो ग्रुप है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप वालों के लिए यहाँ पर 3000 सीट है, वाई ग्रुप वालों के लिए 500 सीट है। अगर बात करें कि आपका फॉर्म कब से कब तक आपका अप्लाई होगा, तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 17th of January 2024 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 6th February 2024। आपको 6 फरवरी का वेट नहीं करना है, 17 जनवरी को जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म अप्लाई कर देना। वहीं पर अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी की बात करें, सभी कैंडिडेट से 550 रुपीज यहाँ पर लिया जाएगा फॉर्म चार्ज। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि आपका जो पेपर होगा ना 17th of March 2024 को आपका होगा, मतलब कि 17 मार्च को आपका पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपके पास बस 3 महीने का टाइम है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप तैयारी को स्टार्ट कर दो। एज लिमिट की अगर बात करें तो कितने से कितने एज के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट है सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ से बात करें तो बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2024 टू 2 जुलाई 2007, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना से इतना के बीच जिनका भी बर्थ हुआ है वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए आप देख लेते हैं दोनों ग्रुप के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो जो साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट होते हैं उनका यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए और तीनों को मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ 50% मार्क्स आपको प्रॉपर इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट है अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो भी होंगे, 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, मतलब कम से कम 50% आपका 10+2 में होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका 10+2 का जो इंग्लिश है उसमें आपका कम से कम होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। पहले स्टेज पर होगा ऑनलाइन सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होगी और उसको क्वालिफाई करोगे तो होगी आपकी फिजिकल, फिर सिंपल सा मेडिकल, देन ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्रुप वाइज एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है। एक्स ग्रुप के जो भी कैंडिडेट्स हैं देख लेंगे यहाँ पर, आपका पेपर होगा 70 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 का रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स के 25 क्वेश्चन। आपको पता है यहाँ पे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको दिया जाएगा। वहीं पर जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट है उनके लिए एग्जाम पैटर्न 50 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 45 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 0.25 का है। सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहेगा।
वहीं पर जो कैंडिडेट एक्स एंड वाई दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनका जो पेपर होगा ना 100 क्वेश्चंस का होगा 85 मिनट्स के लिए। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 0.25 का। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, दोनों को कंबाइन करके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। आई होप कि फुल्ली एग्जाम की पैटर्न मैंने जो भी ग्रुप वाइज बताई है आप समझ गए होंगे। कहीं पे कुछ क्वेरीज वगैरह होती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगले स्टेज पर क्या होता है आपका फिजिकल, तो आइए हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल में एट फर्स्ट होगी क्या हाइट की मेजरमेंट, मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 77 टू 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है मिनिमम चेस्ट, और एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। रनिंग की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट में उनको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। पुशअप आपको 10 लगाने होंगे, मेल कैंडिडेट को सिर्फ 1 मिनट में 10 पुशअप लगाने होंगे। सीट अप मतलब आपका जो उठक बैठक होगा ना 10 करना है 1 मिनट में, फीमेल्स को 10 आपको करना है 1 मिनट 30 सेकेंड में। स्क्वाट्स मतलब जो दंड बैठ बोलते हैं उसको यहाँ पर 20 आपको लगाना है मेल कैंडिडेट को 1 मिनट में, फीमेल्स को 15 लगाने होंगे आपको 1 मिनट में। सो आई होप कि फिजिकल का क्राइटेरिया भी आप समझ पा रहे होंगे, और मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब रही बात कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, नियर बाय सिटी जो आप चूज करोगे वहीं पे एग्जाम सेंटर पड़ेगा, और आपको ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी एयरफोर्स के थ्रू आपको अलोकेट किया जाएगा वहाँ पे जाके सर्व करना पड़ सकता है। सर्व करोगे तो आपको पता है अग्निवीर के थ्रू वैकेंसी है, तो चारों साल का अलग अलग सैलरी होगा। तो मैं बता देती हूँ, एक्स ग्रुप की जो सैलरी होगी स्टार्टिंग में 30,000 होगी, वाई ग्रुप वालों को 45,000 रुपीज दिया जाएगा। और ये सैलरी ना आप अच्छे से देख सकते हो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है, तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे डाउनलोड करके थोरो आउट पर आप अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे जाके फॉलो भी कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।